15 दिसंबर 2020 का राशिफल। आज का पंचांग। आज की तिथि प्रतिपदा 19:08:40 तक। आज का नक्षत्र मूल 21:31:29 तक। आज का करण किंस्तुघ्ना 8:25:40 तक। भव 19:08:40 तक। आज का पक्ष शुक्र। आज का योग गंड 21:30:38 तक। आज का वार मंगलवार। आज का सूर्योदय सूर्यास्त और चंद्रोदय चंद्रास्त का समय। आज का सूर्योदय 7:06:32 तक। आज का सूर्यास्त 17:26:25 तक। आज का चंद्रोदय 7:37:59 तक। आज का चंद्रास्त 18:06:00 तक। आज की चंद्र राशि धनु। आज का हिंदू मास एवं वर्ष शक संवत 1942, शार्वरी विक्रम संवत 2077, काली संवत 5122। आज का दिन काल 10:19:54 तक। मास समांत मार्गशीर्ष, मास पूर्णिमांत मार्गशीर्ष। आज का शुभ समय 11:55:49 से 12:37:08 तक। अशुभ समय अशुभ मुहूर्त दुष्ट मुहूर्त 9:10:30 से 9:51:50 तक। कुलिक 13:18:28 से 13:59:48 तक। कंटक 7:47:51 से 8:29:11 तक। आज का राहु काल 14:51:27 से 16:08:56 तक। कालवेला अर्ध्याम 9:10:30 से 9:51:50 तक। यमघंट 10:33:10 से 11:14:29 तक। यमगंड 9:41:30 से 10:58:59 तक। गुलिक काल 12:16:28 से 13:33:58 तक। आज सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य के इस धनु राशि में प्रवेश को धनु की संक्रांति कहा जाता है, इसलिए आज है धनु की संक्रांति। 15 दिसंबर दिन मंगलवार धनु संक्रांति। हर वर्ष की तरह इस बार भी सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके धनु राशि में आ रहे हैं। इसे सूर्य के परिवर्तन को धनु की संक्रांति कहते हैं, जो 15 दिसंबर 2020 को है। भारतीय वैदिक पंचांग के अनुसार जब सूर्य गोचर करते हैं तो यह समय अशुभ माना जाता है। भारतीय मान्यता के अनुसार जो लोग शास्त्रोक्त विधि के साथ पूजन करते हैं तो उनके सारे संकट दूर होते हैं और इच्छाओं की पूर्ति होती है। धनु की इस सूर्य संक्रांति का पुण्य काल प्रातः समय मध्याह्न के बाद से 21:31 से आरंभ होगी। सूर्य के धनु में प्रवेश से गुरु से मिलने वाले शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए सूर्य के मकर राशि में आगमन तक यानी 15 जनवरी 2021 तक अब कोई भी शुभ कार्य जैसे नीम रखना, गृह प्रवेश करना, विवाह करना, सगाई करना, जमीन खरीदना या बिक्री करना या कोई भी नवीन क्रय आरंभ करना ज्योतिष की नजर से अशुभ फलदायी होगा। भारतीय वैदिक पंचांग के अनुसार यह समय पौष माह का होता है, इसे खरमास भी कहा जाता है। इस मास की संक्रांति के दिन गंगा नदी के स्नान का महत्व बढ़ जाता है। पौष संक्रांति के दिन लोग गंगा नदी किनारे जाकर सूर्य को जल अर्पित करते हैं। ऐसा भी मानना है कि इस विधि को करने से स्वयं के तन एवं मन की शुद्धि होती है। बुद्धि और विवेक की प्राप्ति के लिए भी इस दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है।
जब भी सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश करता है, सूर्य के इस राशि में प्रवेश को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। धनु की संक्रांति के समय भगवान सत्यनारायण की कथा का पठन पाठन किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में केले के फल, सुपारी, पंचामृत, तुलसी, मेवा आदि का प्रसाद तैयार किया जाता है। भगवान सत्यनारायण जी की कथा के बाद देवी माँ लक्ष्मी, भगवान महादेव जी और भगवान ब्रह्मा जी की आरती से पूजा अर्चना की जाती है और चरणामृत का प्रसाद वितरित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो लोग विधि विधान से पूजन करते हैं, उनके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और इच्छाओं की पूर्ति होती है। संस्कृत में खर शब्द का अर्थ है गधा। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में खरमास की कथा के अनुसार प्रभु सूर्य देव 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर निरंतर ब्रह्मांड के चक्कर लगाते रहते हैं। उन्हें कहीं पर भी रुकने की अनुमति नहीं है। भारतीय वैदिक मान्यता के अनुसार उनके रुकने से ही जनजीवन भी रुक जाएगा। लेकिन जो 7 घोड़े उनके रथ में जुड़े होते हैं, वे लगातार चलने और आराम न मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत अधिक थक जाते हैं। उनकी इस कारुणिक दशा को देखकर सूर्य देव का मन भी दुखी हो गया और वे उन्हें एक पानी तालाब के किनारे ले गए। लेकिन उन्हें तभी यह ध्यान में आया कि अगर रथ रुका तो सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य कहिए कि तालाब के किनारे 2 खर यानी गधे मौजूद थे। भगवान सूर्य देव घोड़ों को पानी पीने और विश्राम देने के लिए छोड़े देते हैं और खर यानी गधों को अपने रथ में जोड़ देते हैं। परंतु घोड़ा घोड़ा होता है और गधा गधा। रथ की धीमी गति के कारण जैसे तैसे 1 मास का चक्र सूर्य देव द्वारा पूरा होता है, तब तक घोड़ों को आराम मिल चुका होता है। इस तरह यह क्रम लगातार हर वर्ष चलता रहता है और हर पूरे 100 वर्ष में 1 सौर मास खर मास कहलाता है। अब सुने सभी 12 राशियों का राशिफल। मेष राशि, आज आप थकान, आलस्य और तनाव का अनुभव कर सकते हैं। आज आप हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं। आज आपको हर बात पर क्रोध आएगा। आज किसी धार्मिक स्थल या मांगलिक कार्य में जाना हो सकता है। आज आपकी किसी परिचित से कहा सुनी हो सकती है। इस समय शांति और संयम से काम लें। आज आपके वाहन या किसी मूल्यवान वास्तु के खराब होने से खर्चा बढ़ सकता है। आज आपको यात्रा के समय अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। आज कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा। आज आपका काम करने का जोश आपको महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करवाएगा। फाइनेंस व कमीशन संबंधी बिजनेस करने वाले लोग आज सफल रहेंगे। आज आपकी धन की स्थिति में सुधार आएगा, परंतु इस सुधार की गति धीमी रह सकती है। आज नौकरी करने वाले लोगों को कार्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का अवसर जरूर मिलेगा। आज आपका विवाहित जीवन और प्रेम संबंध दोनों ही सौहार्दपूर्ण रह सकते हैं व भावनात्मक नजदीकियां भी आज बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज आपकी सेहत उत्तम रहेगी। आज अपने विचारों में सकारात्मक बनाए रखना हितकर रहेगा। आज आपका भाग्यांक 9 होगा तथा शुभ रंग लाल होगा। आज आप हनुमान बजरंग बाण का पाठ करें तो यह आपके लिए लाभकारी होगा। वृषभ राशि, आज आप शारीरिक तौर पर बीमार महसूस करेंगे। किसी नवीन कार्य के आरंभ न करने की आचार्य विभोरानंद शास्त्री भी सलाह देते हैं। आज आप अपने खानपान में विशेष ध्यान रखें। आज आपके स्वास्थ्य बिगड़ने की पूरे पूरे योग बन रहे हैं। यदि संभव हो तो आज प्रवास से बचना हितकर रह सकता है। आज आप समय पर अपना कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। आज आप अनाज के व्यापार में निवेश करें, इसमें आपको फायदा हो सकता है। अभी आपने जितने तरह के कारोबार किए हैं,
उनमें आपको ज्यादा लाभ नहीं हुआ। आज कारोबारी कार्यों में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। आज आपके सभी कार्य योजना के अनुसार पूरे होते जाएंगे। सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों को आज के दिन भी किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए कार्यालय जाना पड़ सकता है। आज आपका जल्दबाजी करने का स्वभाव आपके दाम्पत्य जीवन में चिंता उत्पन्न कर सकता है। आज आप असंतुलित दिनचर्या तथा असंतुलित खान पान की वजह से पाचन तंत्र खराब रहेगा। आज आपका भाग्यांक 6 होगा और शुभ रंग महरून होगा। आज आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि, आज आप मनोरंजन और आनंद में व्यस्त रह सकते हैं। आप परिचित दोस्तों और परिवार जनों के साथ आनंदित वातावरण में दिन गुजारेंगे। आज आपको सामाजिक रूप से सम्मान और प्रसिद्धि मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन भी आनंदित रहेगा। आज आपकी धन की स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा। आज आपको प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज आपको दोस्तों के द्वारा अपने काम में सहयोग प्राप्त हो सकता है। आज गले तथा छाती में कफ संबंधी इन्फेक्शन हो सकता है। लापरवाही ना बरते और तुरंत इलाज लें। आज आपका भाग्यांक 5 होगा और शुभ रंग सिंदूरी लाल होगा। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए सुख से गुजरने वाला है। परिवार जनों के साथ आनंद पूर्वक दिन बिताएंगे। आज जरूरी काम में खर्च हो सकता है। धन के लाभ के लिए अभी भी आज एक अच्छा दिन रहने वाला है। ऑफिस में आज का दिन काम करने वालों के लिए अनुकूल रहेगा। आज आप धन की बचत करने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए अधिक धन खर्च न करें। आज व्यवसाय में किसी भी तरह की पार्टनरशिप के लिए दिन उत्तम है। दिन के दूसरे पक्ष में स्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। आज आपको कार्यों से संबंधित बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसको आप आसानी से निभा भी पाएंगे। आज पति पत्नी का आपसी सहयोग घर परिवार के वातावरण को सुखद रहेगा। आज आपको नसों में खिंचाव के कारण दर्द की समस्याएं रह सकती है। योग अवश्य करें। आज आपका भाग्यांक 6 होगा और शुभ रंग हल्का लाल होगा। आज आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो यह लाभकारी रहेगा। सिंह राशि, आज आपका शारीरिक और मानसिक स्तर अच्छा रहेगा। दोस्तों के साथ से आनंद मिलेगा। आज आप धार्मिक कार्य करेंगे। आज आपको सहसा कहीं से धन प्राप्त हो सकता है। इससे आपकी धन की स्थिति मजबूत होगी और आपका कार्य या कारोबार अच्छा चल निकलेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्य की अधिकता की वजह से आज भी कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। आज काम करते समय कागजातों को ठीक से जांच लेना आवश्यक होगा। आज दाम्पत्य संबंध मधुर रहेंगे, परंतु व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। आज अप्रयोज्य खान पान की वजह से पेट संबंधी समस्या रहेगी। इस समय सेहत के प्रति बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। आज आपका भाग्यांक 3 होगा और शुभ रंग हल्का ब्राउन होगा। आज आप हनुमान बजरंग बाण का पाठ करें तो यह लाभकारी होगा। कन्या राशि, आज का दिन शुभ नहीं है। आज आप कई बातों को लेकर तनाव में रह सकते हैं। परिवार जनों के साथ अनबन रहेगी। आज आपकी माता जी की सेहत खराब रह सकती है। किसी भी कागजात पर दस्तखत करने में सतर्कता बरतें। आज धन खर्च बढ़ेगा। आज आपको कारखाने में अधिक लाभ हो सकता है, क्योंकि आप भी बहुत लंबे समय से इस मुनाफे का इंतजार कर रहे थे। आज मशीनरी और फैक्ट्री संबंधित बिजनेस के लिए लाभदायक स्थितियां बनी हुई हैं। ध्यान रहे कि कोई परिचित इंसान ही कार्य क्षेत्र में आपके स्टाफ के बीच फूट डाल सकता है।
आज आपके लिए बेहतर होगा कि सभी चारों तरफ अपनी नजर रखें। आज कार्यस्थल पर आपका प्रभुत्व बना रहेगा। आज के दिन आपको खांसी या जुकाम या बुखार से परेशानी रह सकती है। आज असावधानी ना बरतें और वर्तमान मौसम से अपना बचाव अवश्य करें। आज आपका भाग्यांक 2 होगा और शुभ रंग लाल रहेगा। आज आप हनुमान बाहुक का पाठ करें तो यह आपके लिए अवश्य ही लाभकारी रहेगा। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए मंगलप्रद रहने वाला है। आज आपके भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। नवीन कार्य की शुरुआत के लिए मंगल सूचक दिन है। आज आपको समुद्र पार से कोई अच्छी खबर मिलेगी। आज आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ही लेंगे। आज आपकी धन से संबंधित योजनाओं में सुधार होगा। आज कारोबार तथा कार्य के क्षेत्र में अच्छे के लिए आप जी जान से प्रयास करेंगे और आपको अपने इन किए गए प्रयासों का यथा योग्य लाभ। से जुड़े कार्यों में बहुत अधिक सतर्कता रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय इन कार्यों में नुकसानदायक स्थितियां बनी हुई है। आज मेटल से जुड़े व्यापार में थोड़ा नुकसान हो सकता है। आज आपका पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा। घर के सदस्यों के साथ मौज मस्ती और आनंदमय कार्यों में भी समय गुजरेगा। आज शारीरिक रूप से कुछ कमजोर रहने की संभावना बन रही है। आज आप कार्य की अधिकता की वजह से तनावग्रस्त रह सकते हैं। आज आपका भाग्यांक 4 होगा और शुभ रंग 3 होगा। शुभ रंग हल्का गुलाबी होगा। आज आप हनुमान जी को श्वेतार्क पुष्प की माला अर्पित करें तो यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए मध्यम दिन है। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाए। आज आप वाणी पर नियंत्रण रखने से अपने परिवार में शांति और मधुरता बना पाएंगे। आज आपके विचारों में नकारात्मकता हावी रह सकती है। आज धार्मिक कार्यों के लिए धन खर्च हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत लाभप्रद नहीं है। आज आप अपने कारोबार में ज्यादा निवेश न करें, क्योंकि कम निवेश में ही आपको अधिक लाभ होगा। आज व्यवसायिक नजर से दिन उत्तम है। आज आपको अपनी मेहनत से किए गए कार्यों में उचित उपलब्धि हासिल होगी तथा भविष्य से संबंधित योजनाओं को अंतिम रूप देने की भी कोशिश करेंगे। इस समय न्यायालय से संबंधित मामलों में ज्यादा ना उलझें। आज युवा जन अपने अपने क्षेत्र में प्रगति करेंगे और अपने कार्यस्थल को अच्छा बनाएंगे। आज पारिवारिक वातावरण आनंददायक बना रहेगा तथा प्रेम संबंध भी मर्यादा में ही रहेंगे। आज आपको कठिन परिश्रम की वजह से थकान और कमजोरी का सामना करना होगा। आज आपको अपने खान पान के प्रति लापरवाही ना बरतने की सलाह आचार्य विशास्त्री द्वारा दी जाती है। आज आप आराम भी करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपका भाग्यांक 5 होगा और शुभ रंग लाल होगा। आज आप हनुमान बजरंग बाण का पाठ करें तो यह आपके लिए लाभकारी होगा। धनु राशि, आज आपके निर्धारित कार्य पूरे होंगे। आज माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवारजनों से मिलने के बाद मन आनंदित हो जाएगा। आज आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इसकी जिम्मेदारी किसी को न सौंपे, खुद ही मेहनत करें। आज व्यवसायिक नजर से दिन अति शुभ है। कार्य क्षेत्र में आपकी महिमा का गुणगान रहेगा। आज आप नए अनुबंध भी प्राप्त करेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। पार्टनरशिप संबंधी कामों में धैर्य रखने की जरूरत है। आज आप कार्यों को कुछ नए तरीके से करने की कोशिश करें। आज आपके प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। आज के दिन अपने आप को अनावश्यक नकारात्मक वातावरण से बचाकर रखना अति आवश्यक है। आज आपका भाग्यांक 7 होगा और शुभ रंग केसरिया होगा।
आज आप बंदरों को गुड़ चने खिलाए तो यह आपके लिए लाभकारी होगा। मकर राशि, आज मन परेशानी से भरा रह सकता है। आज आपका धार्मिक या सामाजिक कामों में धन का व्यय होगा। आज आपके परिवार और दोस्तों के साथ मतभेद हो सकता है। अपमान और अपमानित होने के योग हैं। आज न्यायालय के कार्यों में असफलता मिल सकती है। आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना ही होगा। आज आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें। आज कार्यस्थल पर आपका प्रभुत्व बना रहेगा। आज साथी कर्मचारियों के साथ आपका उचित समन्वय के कारण आपके कार्य सुचारू रूप से पूरे होते जाएंगे। आज पारिवारिक व्यापार को आगे बढ़ाना आपके लिए संभव होगा। आज एसिडिटी व अपच की परेशानी रह सकती है। आज आपका भाग्यांक 4 होगा और शुभ रंग हल्का महरून होगा। आज आप हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, तो यह आपके लिए लाभकारी होगा। कुंभ राशि, आज के दिन लाभों से आपका आनंद दोगुना हो जाएगा। नए कार्यों के आयोजन के लिए काम की शुरुआत शुभ रहेगी। कारोबारियों को व्यापार में अधिक लाभ होगा। आज आपको सामाजिक क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलेगी। आज आपकी आय में लगातार वृद्धि होगी। आज आपको अपनी धन से संबंधित स्थिति को सुधारने के लिए अपने घर परिवार वालों का सहयोग लेना होगा। आज कोई लंबित पेमेंट भी मिलने की संभावना बन रही है, जिसके चलते धन संबंधी दिक्कतें दूर होगी। आज आप कारोबारी व्यक्तियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि यही संबंध भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आज आपका काम से जुड़ा कोई लक्ष्य समय से पहले पूरा हो जाएगा। आज सबको अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता मिलना आवश्यक है। आज आपका भाग्यांक 1 होगा और शुभ रंग लाल होगा। आज आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, लाभकारी होगा। मीन राशि, आज आपका दिन शुभ हो, ऐसी आचार्य विशास्त्री की कामना है। आज आपको नौकरी या व्यवसाय में सफलता मिलेगी और बड़े अधिकारी आप पर प्रसन्न रहेंगे, इससे आपकी प्रसन्नता भी बढ़ जाएगी। आपको कारोबार में धन लाभ हो सकता है। आज पिता से लाभ के योग बन रहे हैं। आज आप पारिवारिक आनंद के साथ प्रसन्नचित रहेंगे। आज आप लापरवाही के कारण कुछ कार्यों को नजरअंदाज कर देंगे, जिसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। आज अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाकर रखना अति आवश्यक है। कार्यस्थल में आज नए प्रोजेक्ट्स पर कार्य करना पड़ सकता है और इसके आपको उचित लाभ भी हासिल होंगे। हालांकि कुछ कारोबारी लोग अपने निजी कामों के कारण कार्यस्थल पर अधिक नजर नहीं रख पाएंगे। आज आपको जोड़ों व मांसपेशियों का दर्द परेशान कर सकता है। आज आपका भाग्यांक 2 होगा और शुभ रंग हल्का लाल होगा। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो यह आपके लिए लाभकारी होगा। तो मित्रों, ये रहा आपका आज का राशिफल। आपका दिन शुभ हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।